ये उनके कहने से थोड़ी है, अब 3 तारीख को परिणाम आएंगे, उनको पता लग जाए किसकी दुकान खाली है। ऐसा है, वो समय था जब उनका अपनी पार्टी, उनकी कांग्रेस के अंदर थे तो बहुत बड़ा मान सम्मान देते थे भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता को जो दूसरे उससे आया हुआ है। भाजपा से कोई अपेक्षा करे कि कोई मान सम्मान मिलेगा, मैं समझता हूँ उसमें कोई तथ्य नहीं है। 26 नवंबर को हर वर्ष तो रणवीर सिंह हुड्डा जी के जयंती के ऊपर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जहाँ हजारों लोग आकर के उनको सरदार सुमन भेंट करते हैं। और ये सौभाग्य की बात है कि आज ही संविधान दिवस है, आज ही उनकी जयंती है। ये अपने आप में एक इस तरह की बात है जो सब लोगों को इकट्ठा मिलकर चलना सिखा रहा है। आज इस देश को एकता और अखंडता की ज़रूरत है, और उसके लिए सबसे बड़ा संदेश का अगर कोई जाता है तो इस संविधान दिवस से जाता है, इसलिए सब लोग बड़े श्रद्धा के साथ यहाँ आते हैं। लेकिन जिस तरह से संविधान खत्म करने की बात की जा रही है, ये तो उन नेताओं को सोचना है कि कितने कठिन परिश्रम के बाद, कितनी बलिदान और त्याग के बाद इस देश की आज़ादी को हमने हासिल किया है और फिर इस संविधान की रचना की है। जो रणवीर सिंह जी 7 सदनों के सदस्य रहे, संविधान सभा के सदस्य रहे, और बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ मिलकर संविधान की जो रचना करी, आज ज़रूरत है उस संविधान की एक एक लाइन को हम परिभाषित करें और उसका अनुसरण करें। वही नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया बीजेपी, लेकिन वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की दुकान खाली हो चुकी है, कांग्रेस में कुछ नहीं है, बीजेपी ही जनता का भला। ये उनके कहने से थोड़ी है, अब 3 तारीख को परिणाम आएंगे, उनको पता लग जाए किसकी दुकान खाली है। वही जिस तरह से हाईकोर्ट ने स्कूल के मामले में जहाँ टॉयलेट बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं है, मनसत का प्रावधान किया है, नहीं ये जरूरत है, सख्त जरूरत है, टॉयलेट की तो सबको जरूरत है, और खास तौर पे हमारी बच्चियों के लिए, उनके लिए सुविधा सरकार अगर प्रदान करती है तो ये एक अच्छा ऐतिहासिक कदम होगा, और अगर इसमें कोई कमी रहती है तो सरकार की कमजोरी रहेगी। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पांचों प्रदेशों में सरकार बना रही है, बिल्कुल पड़ेगा 100%, ये सेमीफाइनल मान लो आप। तो राजधान सिंह की जिस तरह से जो है अपना जो यादव बेल्ट है उसमें गांव इंद्रजीत का कितना रोल है, क्योंकि उनको स्टार प्रचारक से बाहर रखा गया। देखिए ऐसा है, वो समय था जब उनका अपनी पार्टी, उनकी कांग्रेस के अंदर थे तो बहुत बड़ा मान सम्मान देते थे भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता को जो दूसरे उससे आया हुआ है, वो मान सम्मान नहीं देते, ये अच्छी तरह से पता है लोगों को। इसलिए भाजपा से कोई अपेक्षा करे कि कोई मान सम्मान मिलेगा, मैं समझता हूँ उसमें कोई तथ्य नहीं है।